तो ये है एरर एसएमपी जिसमें कि हम सब बहुत शांति से खेलते हैं। तो इसलिए कुछ दिन बाद यहाँ पर होने वाली है एक एंड वॉर, जिसके लिए मुझे अभी काफी ज्यादा स्टैक होना पड़ेगा और लिटरली फट जाती है ग्राइंडिंग करने में। लेकिन आज हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि हम बहुत ही ज्यादा स्टैक्ड अप हो जाते हैं। आसान भाषा में कहे तो हमारी लॉटरी लग जाती है, लेकिन कैसे वो जानने के लिए यार वीडियो को एंड तक देखना। तो ये कहानी शुरू होती है एक न्यू प्लेयर की एंट्री के साथ, जिसे कि मैं स्पॉन पर लेने जाता हूँ ऑब्वियसली हर्ट लेने के लिए। भाई कैसे हो? बढ़िया। खाने पीने को है? कुछ नहीं है, ये लो पकड़ो, ये रॉटन फ्लेश खाओ भी। स्पॉन अच्छा इधर ही था क्या? हाँ बगल में ही था, तुम्हें पता नहीं था क्या? देखा नहीं तुमने? नहीं मैं इतनी देर से वही ढूंढ रहा था, मैं कहीं और ही जा रहा था। ओके नहीं नहीं इधर ही है हमारा सब बेस वगैरह। तो थोड़ा बहुत मैं उसे बहला फुसला के ले आता हूँ एक घर के अंदर, लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। एक काम करो, ये लोग ना अभी गेम में तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे स्पॉन वगैरह सेट कर लो, मैं अभी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, कर लिया कर लिया। अरे 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 मजाक कर रहा हूँ बस, मेरे को ना एक्चुअल में थोड़े से हर्ट चाहिए थे। इतना बुरा थोड़ी ना मारोगे? अरे भाई अरे डोंट वरी बैन नहीं करूंगा, आ जाओ आ जाओ बच्चे। अरे नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा, ये कंट्रास्ट नहीं मारूंगा ये लो। अरे मेरा हेलमेट तो दे दो। क्या करोगे वैसे हेलमेट का, ये वाला लो आ जाओ। अरे ये अच्छा टूट गया। तो अभी मेरे पास हो चुके थे टोटल 9 हर्ट्स और मुझे इस बंदे में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उसे अपने बेस पर उठा लाता हूँ। हे तो मैं आपका ना पहले बेड सेट करवाता हूँ सीक्रेट जगह पे। ओके तो कम है यार, ये लो ये मैं फुल डायमंड पे। सॉरी चलो तुम भी काम पे जाओ, मैं भी काम पे जाता हूँ। इसके बाद वो बंदा एक एक्सी फार्म बनाने लग जाता है एंड मैं और सजल निकल जाते हैं नेदर में थोड़ी सी लूट करने, ऑब्वियसली फोर्ट्रेस ढूंढने। तो बेस्टियन की गलियों को पार करके और पिगलिंग की माँ बहनों को याद करके हमें मिलती है एक ऐसी चीज जिसे कि देखकर हम भी चौंक जाते हैं, जो कि है कुछ भी नहीं। हाँ थोड़ी बहुत लूट हमें मिल जाती है। अगले दिन मुझे पता चलता है कि स्कारलेट जो कि ऑल्सो एक न्यू प्लेयर है, उसे हमारे प्यारे शिवू भाई ने कुछ काम से बुलाया है, मगर क्यों बुलाया कुछ नहीं पता। तो इस वजह से स्कारलेट भाई की फट जाती है, तो हम चोरों की तरह छुप छुप के उनके पीछे जाने का प्लान बनाते हैं। वो वाले पोर्टल पे आजा जल्दी से, अपना नेदर रूफ वाला ये था ना अपने पुराने बेस वाला, जहाँ पे तू वो उसको ले केज में ले गया था टेरर को, जहाँ से वहीं चलना है। कैप्टन और शिबू ने स्कारलेट है ना, इसका टीममेट है बबलू, तो उसको बुलाया है। ओके एक जगह पे शिबू और कैप्टन ने, बस इतना ही है। अब वो क्या करने वाले वो कुछ भी नहीं पता, और हम लोग जाके उसको आराम से मार देंगे। तो अपन सोच रहे कि उन लोगों के सामान वगैरह ले ले उनको मार के, तो अपन छुप के चलते स्कारलेट को जाने देते हो। तो मैं उस जगह पर पहुंच गया था और बाकी के टीममेट्स भी आने ही वाले थे, बट स्कारलेट इंटरनेट का बहाना बना के वहां से रफू चक्कर हो जाता है और हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी खेती बाड़ी करता हूँ और तभी हमारी टीम में आ जाता है एक और न्यू मेंबर, जो कि है हमारे प्यारे सबके प्यारे डार्क वेब गेमर। तो उनके साथ में काफी सारी ग्राइंडिंग करता हूँ और उनका भी मैक्स आर्मर रेडी हो जाता है, लेकिन अब होने वाला था एक बहुत खतरनाक सीन। तो अगले दिन जब मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे आया होता है शिबू का कॉल। चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है। हेलो जादू भाई। हाँ भाई बोलो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं पता है हैप्पी न्यू ईयर के लिए सबको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो मैंने आपको गिफ्ट देने के लिए एक जगह चूज करी है, तो मैं कॉर्ड्स दे दूंगा, आ जाओ वहाँ पे रूफटॉप से आ जाना। गिफ्ट दे रहे हो? क्या दे रहे हो ऐसा गिफ्ट में? भाई गिफ्ट है, उसके अंदर जो निकलेगा वो देख लेना आप, और मैं आपको नेदर रूफटॉप के कॉर्ड्स दे रहा हूँ, उस पोर्टल पे आ जाओ, वहीं पे बनाओगे एक पोर्टल, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा रूफटॉप पे। क्या गारंटी तुम वहाँ पे मुझ पर अटैक नहीं करोगे? भाई रूफटॉप पे गिफ्ट नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ओवरवर्ल्ड में, और कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप आ जाओ। चलो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम लोग डायमंड आर्मर में होगे जितने भी हो वहाँ पे। पर आपको भी डायमंड आर्मर पहन के आना होगा फिर तो। हाँ तो मैं तो वैसे भी डायमंड में ही आऊंगा ना, नेदरराइट लेके क्यों आऊंगा जब गिफ्ट ही चाहिए तो, लड़ना थोड़ी है। ओके ओके तो फिर आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है आता हूँ फिर। ओके आपको क्या लगता है ये बंदा मुझे कोई गिफ्ट देगा या फिर ये मुझे ट्रैप करने का कोई नया प्लान है? बट एरर एसएमपी का एक रूल है ना, अगर कोई किसी बंदे को बुलाता है तो उसे ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाना पड़ता है, तो मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकता था। तो शिबू के दिए हुए कॉर्ड्स पर जाने से पहले हमें करनी होगी थोड़ी बहुत प्लानिंग, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। उस टाइम तक डार्क वेब तो ऑफलाइन जा चुके थे, इसलिए मैंने बुलाया सजल प्लेस को मेरी हेल्प करने के लिए। अभी भी जिसमें सो रहा था भाई। अरे मेरी बात सुनो, अभी मेरे को बुलाया शिबू और डूडेक्स ने एक जगह पे, वो बोल रहे हैं कि कुछ सरप्राइज है। अब क्या सरप्राइज है मुझे देख, फिर मैसेज आया वीसी आओ करके। वीसी बुला रहे हैं क्या? हाँ अब देखो। ओके एक काम करो आप वीसी जाओ, एक काम करो आप वीसी जाओ, बस आप मेरे को इनविजिबिलिटी और स्ट्रेंथ का पोशन दो फटाफट, और मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे दो। मेरे पे एक प्लान है ना। क्या? यही कि मैं तुमको वो कॉर्ड्स देता हूँ जो उन्होंने मुझे दिए, तो तुम वहाँ पे पहले ही चले जाओ। ओके वो कर लेते हैं, बट तुम उसके लिए पोशन वगैरह भी तो दो और एंडर चेस्ट लेके जाना अपने साथ। तो गाइस उसके बाद मैं पोशन ऑफ नाइट विजन बनाता हूँ, लेकिन मुझे इन्हें कन्वर्ट करना था इनविजिबिलिटी में, लेकिन उसके लिए लगते हैं मशरूम जो कि हमें रूफ टॉप पर मिलेंगे। तो पोशन की कमी की वजह से मुझे नेदर रूफ पर ही पोशन बनाने पड़ते हैं। नहीं मुझे नहीं पता, स्क्रीन शेयर करो और नहीं करूँ तो
कर नहीं करो तो भाई तुम उसी के साथ सोते हो इस एसएमपी में। भाई स्क्रीन शेयर कर जल्दी फटाफट, अब मुझे नहीं पता, अब तो मुझे भी भाई चिढ़ हो रही है देखने के लिए। जादू प्लेस हमें को पता है पोर्टल के आसपास दूर कहीं नहीं दिख रहे हो कहीं भी। तो प्लान के हिसाब से यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सजल भाई को इनविजिबिलिटी के पोशन, ताकि वो इनविजिबल होके मेरे पीछे आ सके। और अभी मैं उन लोगों के पोर्टल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। इनका आगे आगे निकल जा रहा है, पता है 150 जैसे मीटर होता है ना रेंडर में आ जाता बंदा। ये पक्का ना छोले भटूरे वाले से सीख के आया, वो भी यही बोलते रहते हैं छोले भटूरे लगाने के लिए। ये 70 मीटर दूर हूं वहां जाकर। 70 मीटर कहां 70 मीटर भाई, इसको तो हेलो हेलो सिबू। ओह भाई ओ भाई 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 इतनी देर लगा दी यार, मार मार दूंगा अभी भी, गुस्सा आ रही है मेरे को। क्या लिखा है भाई इसमें? अंदर आओ अबे अंदर भाई, स्क्रीन शेयर कर। सॉरी सॉरी, रुक जाओ जादू भाई रुक जाओ, आराम से देर कर दूं डील कर यार। दिन कर रहे हो क्रीपर लोल, रुक मैं बचने के लिए कुछ बनाता हूं अपने। छोड़ जादू भाई, इधर आओ जादू भाई इधर आओ, मैं आपको बताता। अरे रुक जाओ वेट, मैं अरे यार मेरी इन्वेंटरी फुल हो गई यार, मारे छोटे डॉन को कुछ सामान दे दूं, दे रहा हूँ सामान ले लो, ज्यादा तराओ मत। ओके तो मैं आपको नेदराइट आर्मर दे रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, ये कौन है ले रहा है? ये सजल बेज है। हेलो शिवू भाई, वेयर आर यू गोइंग? व्हाई आर यू फागिंग फागिंग? ओ एंडरपल, ओ शिट, पानी में एंडरपल, ओ माय गॉड, ओ शिट ओ शिट ओ शिट। ओके ओके भाई, टोटल पॉप हो गया कैप्टन भाई। ओके ओके ओके, जादू भाई को निपटा दो, जादू भाई को निपटा दो, जादू भाई को निपटा दो। जादू भाई को निपटाना इतना आसान है? इतना आसान है, इतना आलू है भाई। कैप्टन भाई पल कर दो, आप ढूंढ नहीं पाओगे यहाँ पर क्या है। ओके चेस्ट खोल, चेस्ट खोल, आजा मैं बताता हूँ क्या है। खोल, रुक रुक मैं बताता हूँ, रुक 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 ठीक है। ये ले सजल प्लेस, ये देख इतना नूप समझा है। ओ माय गॉश, दे थिंक वी आर नूप। अपनी अपनी अंडर चेस्ट उठा, मेरी नहीं है उनकी भी अंडर चेस्ट अपनी, आप उठा ले उठा ले, ये भी रख ले। भाई क्या भागा है शिवू, लिटरली पानी ना होता ना फूका। लो मेरी तरफ से हर्ट चाहिए, ये लो ये लो हर्ट, ये लो हर्ट। कहां से मिला? मिला है, चलो सच्ची में लगा ले। क्यों लगा तो लो, तुम लगा लो, बस बताऊंगा कैसे मिला है। लगाओ लगाओ, पागल आदमी लग भी नहीं रहो। परमानेंट स्पाइडर आई है। सो गाइस, यहाँ पर उन लोगों का प्लान फेल हो चुका था। ये सब होने के बाद वो लोग एसएमपी डिस्कनेक्ट कर देते, लेकिन वो लोग कोई पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे, और शायद हो सकता है कि उनके बेस का पोर्टल यहीं कहीं पास में हो। रिप्ले में चेक कर लेंगे। एक काम करो, अभी अपने पास टाइम है, वो सर्वर में नहीं, इसी के अंदर आओ वापस, यहीं आसपास होगा उनका पोर्टल, उनका पोर्टल अपन को दिख जाएगा रिप्ले में चेक। रिकॉर्ड स्टार्टिंग से लगाना जब अपन वहां पर कर रहे थे। स्टार्टिंग नहीं है यार, आई डोंट थिंक, ये देखिए मैं यहां पे पोर्टल, ये देखिए तो है ये मैं। अरे नहीं भाई, और पीछे करो और पहले कर। तो हम काफी टाइम रिप्ले चेक करने में लगाते, हमें उन लोगों की लोकेशन तो नहीं मिलती, लेकिन हमें मिल जाती है कुछ अनवांटेड ब्लॉक। इसका मतलब था कि वो लोग यहीं कहीं से आए थे, और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली हमें पास ही में उनका बेस मिल जाता है। चलो चलो भाई जल्दी चलो। ओ भाई साहब, अरे वो टेरर शिवू को देखे गया था, ये देख कम यार। ओके ओके, ये विलेजर क्या दे रहे हैं भाई? सारे प्लान एक साथ एग्जीक्यूट हो गए अपने लिटरली भाई, सारे के सारे प्लान। इसमें देख इसमें देख इसमें देख, कुछ भी नहीं है इसमें ब्रो। ओबे मेंडिंग देख कितने महंगा दे रहा है सजल। अरे भाई साहब सजल, टेरर हॉर्स, टेरर का घोड़ा, व्हाट द हेक, क्या अपन इसको। तो थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करने के बाद और पूरे बेस को लूटने के बाद हम जाते हैं उस घोड़े को नजर पोर्टल में फंसाने, ताकि हम उसे अपने बेस पर ले जा सके। लेकिन और अब